हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच एक ऐसी न्यूज डिस्कस करूंगा जो आज बहुत ज्यादा चर्चा में है, और ये जो चर्चा में न्यूज है वो आप सब लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। अब हम हो गए 8 अरब जनसंख्या के सदस्य, यानी अब जो हमारी पूरी दुनिया है उसकी जनसंख्या 8 अरब को पार कर चुकी है, और ये यूएन की रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट में साथ ही साथ इस चीज को भी बताया गया है कि 2023 में भारत की जो जनसंख्या वो चीन से भी ज्यादा होगी। तो आइए आज की इसी वीडियो में ये सभी जानकारी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका आर्टिकल है, वर्ल्ड पॉपुलेशन टू क्रॉस 8 बिलियन मार्क टुडे, यानी कल की ये न्यूज है। 8 बिलियन जनसंख्या आज 15 नवंबर, कल था यानी आपका, उसको क्रॉस कर चुकी है। इंडिया टू इमर्ज एज मोस्ट पॉपुलस कंट्री नेक्स्ट ईयर, यानी 2023 में भारत एक मोस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री होने वाला है। और इसको यूनाइटेड नेशन यानी यूएनओ की एक संस्था है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस, वहां के द्वारा जारी किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। और ये 2023 में एक्सपेक्टेड किया गया है कि भारत हो जाएगा दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, और द ग्लोबल पॉपुलेशन कुड ग्रो टू अराउंड 8.5 बिलियन इन 2030, यानी 8 बिलियन है और 2023 आने वाले 7 सालों में 0.5 बिलियन ये जनसंख्या आपकी और बढ़ जाएगी। ये जनसंख्या से संबंधित ये डिटेल है। 8 बिलियन जनसंख्या यानी दुनिया अब 800 करोड़ लोगों की हो चुकी है। 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ होता है, इसको भी आप जानते चलेंगे। दुनिया भर में जो जनसंख्या है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, खासकर एशिया की जो कंट्री है उनमें, और बाकी और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रियां जहां पर जनसंख्या की भी समस्या है। इसको हम लोग आगे समझेंगे। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरप्लस चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री नेक्स्ट ईयर, अकॉर्डिंग टू, मैंने आपको भी पहले बताया, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन। और मंडे मंडे को ये रिपोर्ट आई थी, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज फोरकास्ट टू रीच 8 बिलियन बाई मिड नवंबर। ये पहले से रिपोर्ट थी, मिड नवंबर यानी 15 नवंबर को हो जाएगी। और ये 15 नवंबर को जैसे ही 8 बिलियन की जनसंख्या होगी, भारत भी एक नए आयाम 2023 में लिखने के लिए तैयार हो जाएगा। ये पहले से ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 में जो 11 नवंबर को मनाया जा सॉरी 11 जुलाई को, ये देख सकते हैं 11 जुलाई 2022 का ये न्यूज आर्टिकल है। इंडिया प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री ड्यूरिंग 2023, ये यूएन की रिपोर्ट थी। और भारत 11 जुलाई 2022 को रिपोर्ट आई थी, और उसी के साथ एक कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया पॉपुलेशन स्टैंड 1.4 बिलियन 2022 और कंपेयर चाइना 1.426 बिलियन, यानी थोड़ा सा कम था 2022 में जिसको हम क्रॉस करने वाले थे, और 23 में हम लोग चाइना से आगे निकल जाएंगे, यानी दुनिया की सबसे बड़ी जो जनसंख्या वाला देश भारत हो जाएगा। द ग्लोबल पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट इट्स स्लोएस्ट रेट सिंस 1950। 1950 से जो ग्लोबल रेट है बढ़ने की जनसंख्या की वो इस घटी है समय, और हैव बीन फॉलन अंडर 1% इन 2020। 1% ये गिरी है नीचे, यानी जो बढ़ोतरी हो रही थी उसमें कुछ कमी आई है। 1950 से पहली बार ऐसा हो रहा है, 2020 में ये आंकड़े आए थे कि जनसंख्या में कुछ दुनिया भर में वृद्धि ना होके थोड़ा बहुत कमी हो रही। द लास्ट प्रोजेक्शन बाय द यूनाइटेड नेशन सजेस्ट दैट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कुड ग्रो अराउंड 8.5 बिलियन 2030, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एंड 9.7 बिलियन 2050, यानी 2050 में 9.7 बिलियन की ये जनसंख्या आपकी हो जाएगी। और आगे और भी प्रोजेक्शन लगाए गए हैं कि 10.4 बिलियन यानी 1004 करोड़, है ना, वो 10.4 बिलियन का मतलब 1004 करोड़ ये जनसंख्या हो जाएगी आपकी 2080 में, और इसके बाद आगे भी इसी प्रकार से 2021 तक जनसंख्या आपकी बढ़ती रहेगी, ये प्रोजेक्शन लगाया गया है। और ये जनसंख्या को प्रोजेक्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आप जानते हैं 11 जुलाई को मनाया जाता है ग्लोबली, यहाँ पर देख सकते हैं विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये 1987 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी, इसको भी आप याद रखिएगा, 1987 से, यानी 1987 में यूएनओ द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई कि अब 5 अरब जो विश्व की जनसंख्या है हो चुकी है, और उसी के साथ 1987 में 11 जुलाई से जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत होती है। इसका एम है एम टू राइज अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल पॉपुलेशन क्राइसिस, जो दुनिया भर में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे बहुत सारी क्राइसिस आ रही है, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाए, इसीलिए इसको मनाया जाता है, किसको, पॉपुलेशन डे को, जनसंख्या दिवस को।
ओनली पॉपुलेशन रिडक्शन विल इंश्योर ए बेटर लाइफ फॉर ऑल ऑन द प्लेनेट, यानी जो प्रोडक्शन है रिडक्शन रिडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन है रिडक्शन यानी कमी होना चाहिए, यही है इस प्लेनेट को इस ग्रह को सुरक्षित रख पाएगा और लोगों के जीवन स्तर को अच्छा कर पाएगा। इसलिए से नो टू ओवर पॉपुलेशन टू हैव ए बेटर लाइफ, यानी ज्यादा जनसंख्या बढ़ोतरी का प्रयास ना करें। आप दुनिया भर के और भी देश हों, चाहे इंडिया हो, वो सभी के सभी देश इस पर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि संसाधनों की मात्रा सीमित होती है, उसको सीमित संसाधनों को असीमित जनसंख्या तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पर दुनिया के ऐसे 10 महत्वपूर्ण देशों का आंकड़ा आप देख सकते हैं जिनकी जनसंख्या इस समय अपने स्तर पर ऊपर है। देखिए प्रोजेक्शन लगाया गया 2023 के हिसाब से है, ये 2023 का प्रोजेक्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे फाइनली इंडिया टॉप पर पहुंच जाएगी, दूसरे नंबर पर हमारा चाइना, तीसरे पर यूएसओ यूएसए इंडोनेशिया और पाकिस्तान, टॉप 5 कंट्रियां हैं। यहाँ पर आप देखिए इंडिया पहले नंबर पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर कलर दिया गया है, 2023 का आंकड़ा है। 1.426 बिलियन जनसंख्या भारत की हो जाएगी और 1.425 जनसंख्या रहेगी हमारे चीन की। तो ओवरऑल जो इंडिया है टॉप मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री में पहुंचेगा और टॉप 5 ये कंट्रियां हैं आपकी। यहाँ पर आप देखेंगे जो जनसंख्या की बढ़ोतरी है वो प्रत्येक देश में हो रही है, खासकर एशिया में। यहाँ पर बात करें कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का परसेंटेज है, तो इंडिया का परसेंटेज वर्तमान 2022 के हिसाब से देखें तो 17.9 यानी 17.9% है। वहीं चाइना का जो प्रतिशत इस समय है 18.5%, बाकी में आपके बहुत सारे देश हैं। आप यहीं पर मिला लिया जाए तो लगभग लगभग 36% प्लस जनसंख्या सिर्फ दो कंट्री ही कवर कर रही है, 36% प्लस है ना आपका चाइना और इंडिया। ये पॉपुलेशन की एक अपने आप में एक बहुत बड़ी क्राइसिस होती है और एशिया कंटिनेंट के दो महत्वपूर्ण देश भी हैं। भीड़ आप कहीं भी देखेंगे ये साबित करती है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना। यूरोपियन देशों में आप जाके देखेंगे तो वहां पर जनसंख्या आपको बहुत कम मिलेगी, रोड सड़कें और भी सारे मॉल कॉलेज हर जगह भीड़ सीमित होगी, लेकिन ये भारत और दुनिया के और देशों की भीड़ आप देख सकते हैं जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भीड़ भी बहुत ज्यादा वहां पर रहती है। और एक प्रकार से दुनिया भर देखें कि पॉपुलेशन किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई, तो जब औद्योगिक क्रांति आती है 16वीं और 17वीं शताब्दी में, वहां से जनसंख्या की बढ़ोतरी बहुत तेज से हुई। इसको आप देख सकते हैं 1700 में ये जनसंख्या जो थी आपकी वो 1 बिलियन से नीचे थी, यानी 100 करोड़ से नीचे थी। फिर 1800 में ये जनसंख्या 1804 में 1 बिलियन हो गई और ये जनसंख्या आगे बढ़ती गई। 1927 में ये जनसंख्या 2 मिलियन हो गई। देखिए जनसंख्या की बढ़ोतरी कितनी तेज हुई। फिर 1960 में जनसंख्या आपकी पहुंच गई 3 मिलियन। उसके बाद 14 ही वर्षों में जनसंख्या आपकी पहुंच गई 4 मिलियन। और उसके बाद फिर 13 ही वर्षों में जनसंख्या आपकी पहुंची 5 बिलियन। इसी दिन में मैंने बताया 1987 में पॉपुलेशन डे मनाने की शुरुआत हुई, क्योंकि 11 जुलाई को 5 बिलियन जनसंख्या आपकी क्रॉस हो चुकी थी। 6 बिलियन जनसंख्या आपकी 1999 में ही हो गई, यानी 12 साल में। फिर इसके बाद 13 साल में आपकी जो जनसंख्या बढ़ी वो 7 बिलियन डॉलर नहीं, यहाँ पर कोई धन की बात नहीं हो रही है। और साथ ही फिर 12 वर्षों में जो जनसंख्या बढ़ी वो 8 बिलियन, यानी जनसंख्या की यहाँ पर बढ़ोतरी देखें तो लगभग 120 सालों में जनसंख्या 1 बिलियन बढ़ी। इसके बाद फिर यहाँ पर आप देखें 33 सालों में बढ़ी, उसके बाद फिर ये 14 वर्षों में, इसके बाद 13 वर्षों में, उसके बाद आपकी 12 वर्षों में, फिर 12 वर्षों, 13 वर्षों में, फिर 12 वर्षों में, यानी 12 से 13 वर्षों के बीच अभी पूरी विश्व की जनसंख्या 1 बिलियन बढ़ जाती है। ये प्रोजेक्ट किया गया है कि 2048 तक 9 बिलियन डॉलर की आपकी जनसंख्या हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें जनसंख्या की एक दूसरा पैमाना है, ये बढ़ती हुई जनसंख्या को बता रहा है और आने वाले समय में जनसंख्या में कुछ कमी भी महसूस की जाएगी। 2037 के बाद यहाँ पर आंकड़े कुछ रेड दिख रहे हैं, यानी जनसंख्या थोड़ा बहुत कम होगी, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी देश हैं वहाँ की जनसंख्या शिक्षित होगी, वहाँ के लोग थोड़ा बहुत विकसित होंगे मानसिक और सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, तो ये जनसंख्या जो बढ़ रही है इस पूरे धरातल पर जनसंख्या का जो भार बढ़ रहा है वो कम होगा। 2022 अब आपका आ चुका है, 15 नवंबर ये डेट याद रखिएगा, पेपर में पक्का पूछा जाएगा कि 8 बिलियन जनसंख्या कब हुई, 8 बिलियन डे के रूप में शायद आने वाले समय में इसको मनाया भी जाएगा 15 नवंबर को। यहाँ पर दुनिया भर में देखें भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या है, चाहे आपके दुनिया के और भी देश देखें
वहां पर जनसंख्या भरी पड़ी है, और यही कारण है कि 8 बिलियन ये आपकी जनसंख्या आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये भीड़ आप देख सकते हैं भारत के ही किसी मार्केट की ये भीड़ है। इतनी भीड़ आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि जनसंख्या बहुत ज्यादा भारत में निवास करती है। आप इस पर विचार करेंगे कि क्या इसके इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, कुछ लोगों का मानना रहता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन किसी भी चीज का फायदा होता है तो उससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, और ये नुकसान और फायदे क्या होंगे इस पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे। व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है उससे क्या हमारे जीवन स्तर पर क्या उसके प्रभाव और क्या उसके नफा नुकसान होंगे, इसको हम लोग समझेंगे। यदि इसके निगेटिव बात की जाए, जब जनसंख्या बढ़ती है तो उससे कुछ निगेटिव पॉइंट निकल कर आते हैं, जैसे फूड क्राइसिस, एजुकेशन में डिफिकल्टी होती है, एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, एज डिपेंडेंसी बढ़ जाती है यानी आयु निर्भरता बढ़ती है, रोजगार के अवसरों पर प्रभाव पड़ता है, कैपिटल सेलोइंग ये भी आपकी समस्या होती है, इन्वेस्टमेंट डाइवर्जन और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उसमें भी काफी आपकी कमी देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों के पास संसाधन जुटाने के लिए होड़ रहेगी और ये बहुत सारी समस्याएं एक साथ बढ़ जाती है। यदि यही देखा जाए बढ़ती जनसंख्या के कुछ पॉजिटिव पॉइंट, तो इससे क्या होता है, एक सस्ता लेबर यानी मजदूरी सस्ती मिलेगी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल स्केल बढ़ेगा, आपका अर्थनीति का मार्केट बड़ा होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो उनके विचार और उनके जो ज्ञान होगा वो भी बढ़ेगा, इनोवेशन भी डेवलप होगा, और टेक्नोलॉजी डिमांड फॉर टेक्नोलॉजीज जो क्या कहते हैं तकनीकी की मांग है उस पर भी आपके क्या होगा प्रभाव छोड़ेंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग नेगेटिव चीज ज्यादा समझेंगे, क्योंकि यदि हम जनसंख्या कंट्रोल कर लेंगे तो काफी अच्छी चीज होगी, बाकी बढ़ती जनसंख्या तो हर देश की अपनी समस्या है ही। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ फिर हाजिर होते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करें। नेक्स्ट ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के लिए जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।